जी यस यस सर। इसमें कह रहा है आपको इन फिगर 6.19, एक फिगर है तो उसको देख लेते हैं पहले। ये फिगर कुछ ऐसा है, ये है इधर दिया हुआ है ए बी सी, उसके बाद आपका कुछ इधर डी है, हाँ कुछ ऐसा है, फिर ये ऐसा है और यहाँ कुछ। चलिए देखो यहाँ पे फिगर तो ड्रॉ कर लिया हमने, कह रहा है इन फिगर डी पैरेलल टू ए सी है, क्या क्या गिवन है भाई? डी पैरेलल टू, डी पैरेलल टू ए सी है, ये क्या हो गया? गिवन है डी पैरेलल टू ए सी है, डी पैरेलल टू ए सी है और डीएफ पैरेलल टू ए ई है। अरे प्रूव करो आप, तो प्रूव बीएफ अपॉन में एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप, देखो यहाँ पे डीई पैरेलल टू दिख रहा है, डीई पैरेलल टू एसी, देखो डीई कहाँ है, डीई दिख रहा है, डीई और एसी भी दिख रहा है, तो इस दोनों को देखो, बाकी को मिटा दो आप। अरे मिट गया बाकी, डी पैरेलल टू एसी दिखने लगा। हाँ जी यस सर, आप थोड़ा सा इसे अगर ऐसे मोड़ दें, आप सीधा कर लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये बी अगर मोड़ेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी यस सर। उसी तरह डी कहाँ चला जाएगा, डी कुछ इधर चला जाएगा, ई कुछ यहाँ आ जाएगा, अरे ऐसे मोड़ दिया मैंने तो आपको दिखने लगा है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं? हाँ जी, अरे बोलो, यस सर। बीपीटी से जब पैरेलल होती है तो बीपीटी लगा सकते हैं क्या, अभी सिखाया तो है, बोलो यस सर। तो यहाँ पे बीपीटी लगा दो बिना मोड़े भी वहीं पे, तो अगर ये पैरेलल है तो इधर से चलते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, हाँ गलत से इधर इधर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये है ना हमारी साइड, समझ गए? यहाँ पे ये अभी नहीं है, अरे समझ गए क्या, बोलो बोलो। यस सर। आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, कोई प्रॉब्लम क्या? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लिख लेता हूँ प्रूफ। अगर आपके पास गिवन है DE parallel to AC, ट्रायंगल का नाम लिख लो आप, ट्रायंगल तो ऐसे सेम है फिर भी लिख लेता हूँ, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी इन, अच्छा एक चीज ध्यान से समझना क्योंकि आगे दो तीन पार्ट सेम है तो आप ही करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें DE parallel to AC है, अरे है क्या, बोलो यस यस। क्या होगा इधर से BD by DA, ये वर्टेक्स से चल रहा हूँ, इधर से भी चल सकते हैं लेकिन इधर से सीधे वाले तरीके से चलते हैं, BD by हमें प्रूफ जो भी करना है वो आ जाएगा, BD by DA, तो BD by DA is equal to BE by EC, BE by EC by BPT theorem, अरे क्लियर है? यस अभी ये हो गया, अब क्या दिया हुआ है, नाउ दूसरा कह रहा है डीएफ पैरेलल टू ए, तो डीएफ ये है और ए ये है, तो जितना कह रहा है उतना रखो बाकी मिटा दो, देखो वो वाला आ गया डीएफ पैरेलल टू ए बी, इधर भी मिटा दो, अरे समझ गए क्या, बोलो यस सर। हमें ये ट्रायंगल दिखने लगा, क्या गिवन था ये ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए बी ई, अरे दिख रहा है क्या, ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है, फिर जो गिवन है वो लिख दो, डी एफ पैरेलल टू ए, ये गिवन है आपको,
यहाँ भी गिवन लिख देना जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। और जब ऐसा होता है तो क्या होगा, बी डी बाई डी ए इधर तो सेम रहेगा, बी डी बाई डी ए सेम रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बीपीटी। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लू, इसे सेकंड इक्वेशन मान लू, तो दोनों से देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों का LHS इक्वल है। अरे है क्या, यस सर, यस सर, RHS भी इक्वल कर देंगे। स्टेटमेंट बस ये लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों एक साइड दूसरा भी इक्वल हो जाएगा बिना, यही रीजन है जो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। RHS को लिख लो, क्या है, BE by EC इक्वल होगा BF by FE के, और ये यही है जो हमें प्रूव करना है। दिख रहा है ऑर्डर इधर उधर है, तो वो बात देखिए, समझ गए क्या, हेंस प्रूव दिख पा रहा है आपको, दिख ही नहीं रहा है ये शायद, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, दिख रहा है BF by FE, देख लो मैनेज कर लो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको, यस सर, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम कितना है इसमें पहले वो देख लो, मीटिंग एंड ही होने वाली है, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस ओके, तो अभी मीटिंग के बाद कनेक्ट।